तेजस्वी कहते हैं ए टू जेड है, हम लोग सबको लेके चलते हैं। तेजस्वी को 25वें समझ में आएगा कि क्या ए टू जेड समझ में आएगा। राजद को तो 35 साल से मुसलमान ढो रहे हैं। हाँ। अब कितना दिन देख नहीं रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सबको लेकर चलेंगे ए टू जेड की पार्टी। कितने को लेकर चल रहे हैं, कितने मुसलमान हैं उनके यहाँ जो पार्टी के शीर्ष पोस्ट पे हैं? कितने मुसलमानों को उन्होंने राज्यसभा भेजा है? सारा पोस्ट उनको घर में ही चाहिए। 4 साल मीसा भारती का राज्यसभा बाकी था ना, क्यों दिया गया उनको फिर से लोकसभा? क्योंकि उनके परिवार के थी इसलिए। मुसलमानों को कितने परसेंट मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया है? अब मुसलमान जाग चुका है, अपनी हिस्सेदारी की तलाश में है, विकल्प की तलाश में। भाजपा से डरा करके वोट उठ लिया उन्होंने। अच्छा, मुसलमान लोगों को बेवकूफ बना के लालू यादव वोट बिल्कुल लेते थे। बिल्कुल आप लोग देते भी थे बिल्कुल भाजपा के डर से? नहीं, डर से नहीं कि वो एक भय बनाना कि ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। मुसलमान बंधुआ मजदूर है क्या राजद का? अरे आप अभी देख लो ना, पूर्णिया देख लो लोकसभा का, पप्पू यादव जीता है। उसके बाद अभी रुपौली का देख लो रिसेंटली उपचुनाव में कौन जीता है। कहा जाता था कि राजद के कोर वोटर मुसलमान है, हमारे साथ मुसलमान समाज के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर राजद से क्यों नाराज हैं। राजद से हर मुसलमान क्यों नाराज है ये हर लोग पूछ रहा है। राजद से क्यों नहीं आप लोग पूछ रहे हैं कि क्यों मुसलमान नाराज है? वो तो कह रहे हैं कि MY की पार्टी थी पहले, अब तो ए टू जेड। कोई MY की ए टू जेड सब बकवास बात है। सिर्फ अपनी बात करने वाले, अपने फैमिली के लोगों का बात करने वाले लोग हैं ये लोग, दूसरे किसी का सोचने वाले नहीं है। लालू प्रसाद जब एक्टिव थे तो कहते थे MY की पार्टी है, उनके बेटे कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी। लालू जी तो कुछ हद तक ठीक अपना लेके चले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब लालू जी को चलती उलती नहीं है, अब खत्म हो गई है लालू जी की चलती। कहना चाह रहे लालू यादव मुसलमान समाज के लिए बहुत काम किए? नहीं, कुछ काम हम नहीं किया, बस वही जो है भाजपा से डरा और आकर करके जो है भाजपा से डरा करके वोट उठ लिया उन्होंने। अच्छा, मुसलमान लोगों को बेवकूफ बना के लालू यादव वोट? बिल्कुल बिल्कुल वोट। और आप लोग देते भी थे? बिल्कुल भाजपा के डर से? नहीं, डर से नहीं कि वो एक भय बनाना कि ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा कोई खिलाफ तो काम कर नहीं रही मुसलमानों के। अच्छा, वो थोड़े बहुत यूट्यूब पे उल्टे सीधे जो है मैसेजों से जाते रहते हैं, वो तो हमेशा दौर का चलता रहता है। भाजपा कुछ गलत नहीं कर रही है, वो अपने लेवल पे जितना करना है कर रही है, लेकिन बेवकूफ बना के राजद। हाँ, मगर उससे ज्यादा डराती है राजद। तो जो मुसलमान लोग हैं वो अब समझ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल सब समझ चुके हैं। लेकिन तेजस्वी कहते हैं ए टू जेड है, हम लोग सबको लेके चलते हैं। तेजस्वी को 25वें समझ में आएगा कि क्या ए टू जेड समझ में आएगा। 25वें समझ, तैयारी कर रहे हैं सीएम करने दीजिए, करने दीजिए। हाँ। बिल्कुल करने दीजिए, खाब ही खाब रह जाएगा उनका। मुसलमान लोग साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मन बना लिए है कि मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? फखरुद्दीन कमर। आखिर मुसलमान लोग राजद से नाराज क्यों चल रहे हैं? चूँकि मुसलमानों को वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिल रही, इसलिए हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही। पर कहा जाता था कि जो राजद है, राजद के कोर वोटर मुसलमान है। तो बंधुआ मजदूर नहीं ना, वोटर थे। अच्छा, बंधुआ मजदूर नहीं है जी, वोटर थे। वोटर थे जी। तो अब नहीं है कोई और पार्टी के, अलग अलग पार्टियों की तलाश, विकल्प की तलाश में मुसलमान, विकल्प की तलाश में जी। बिल्कुल। क्यों राजद में भविष्य नहीं दिखता? नहीं दिखता है। हाँ। मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है राजद जी, जी। और JDU? JDU तो कब किधर रहती है पता ही नहीं चलता। आखिरी मरहल चल रहे हैं JDU के। पर कहा जाता था MY की पार्टी है राजद, मुसलमान जो है कहीं नहीं जाएंगे राजद को छोड़ के। कहा जाता था, अब मुसलमान जा रहे हैं। कितने परसेंट मुसलमान को राजद हिस्सेदारी देती है? जिसकी जितने भागीदारी उतनी हिस्सेदारी नहीं। सिर्फ ये यादवों के लिए रहती है, मुसलमानों के लिए है? कहना चाहिए यादवों की पार्टी है सिर्फ राजद, सिर्फ यादव की रह गई है। और यादव में भी सिर्फ लालू यादव के परिवार की पार्टी मतलब रह गई है। परिवारवाद लालू यादव, इसलिए मुसलमान लोग नाराज है। बिल्कुल। तो 25 के चुनाव में विकल्प की तलाश में है राजद नहीं। राजद को तो 35 साल से मुसलमान ढो रहे हैं, अब कितना दिन देखेंगे। मुसलमान को जब हिस्सेदारी चाहिए तो जहाँ उनको हिस्सेदारी समझ में आएगा वहाँ जाएंगे। हाँ, जो हिस्सेदारी देंगे यकीन। पर राजद नहीं, राजद देख नहीं रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सबको लेकर चलेंगे ए टू जेड की पार्टी। कितने को लेकर चल रहे हैं, कितने मुसलमान हैं उनके यहाँ जो पार्टी के शीर्ष पोस्ट पे हैं? कितने मुसलमानों को उन्होंने राज्यसभा भेजा है? अशफाक करीम राज्यसभा थे, टिकट काट करके किनको दिया गया? सारा पोस्ट उनको घर में ही चाहिए। 4 साल मीसा भारती का राज्यसभा बाकी था ना, क्यों दिया गया उनको फिर से लोकसभा? 4 साल बाकी था राज्यसभा, तो सांसद थी ही, क्यों लोकसभा में भेजा गया उनको?
क्योंकि उनके परिवार के थे, इसलिए मुसलमानों को कितने परसेंट मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया है? 17-18% मुसलमान यहाँ हैं उनके आंकड़े के मुताबिक, सरकार के आंकड़े के मुताबिक। कितने को पार्लियामेंट में उन्होंने टिकट दिया है? तो सिर्फ कहने से मतलब यह है कि नहीं होगी, हिस्सेदारी देनी होगी। अब मुसलमान जाग चुका है, अपनी हिस्सेदारी की तलाश में है, अब विकल्प की तलाश में है। मुसलमान जाग चुके हैं, यकीन है। चलिए, मुसलमान जाग चुके हैं और अब विकल्प की तलाश में है। हमेशा तो तेजस्वी कहते थे जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, नहीं मिला। कहने में करने वो फर्क है ना। हाँ। अब रह गया इंजन, रह गया डब्बा, सब लोग गायब होता जा रहा है। तेजस्वी कहते हैं ए टू जेड की पार्टी है, सबको साथ लेके चलेंगे। बाप की पार्टी बोलते हैं, ए टू जेड की पार्टी नहीं, नहीं बोलेंगे। एमवाई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। हाँ, बाबा का पार्टी बनने जा रहा है। बाप यानी बहुजन, अग्रा, पिछड़ा, वही ना कह रहा है, बाबा की पार्टी बनने जा रहा है। बाप की पार्टी मुसलमान लोग नहीं आ सकते तेजस्वी के, कोई नहीं साथ। विधानसभा चुनाव आ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या तेजस्वी? अभी देखना, ट्रेलर दिखाया गया है ना, रुपौली विधानसभा उपचुनाव हुआ है ना, पता लग गया है ना। रुपौली ट्रेलर है, पिक्चर विधानसभा बाकी है, बाकी एकदम मैडम। क्या लगता है आपको, मुसलमान बंधु मजदूर है क्या राजद का? किस आदमी की बात कर रहे हो? कहा जाता था मुसलमान की बात कर रहे हो और राजद की बात कर रहे हो, कहाँ से आपको लगता है तालमेल? अरे आप अभी देख लो ना, पूर्णिया देख लो, लोकसभा का पप्पू यादव जीता है, उसके बाद अभी रुपौली का देख लो रिसेंटली उपचुनाव में कौन जीता है, मुसलमान लोग नहीं साथ है। क्या किसकी बात कर रहे हो आप? चलिए, रुपौली तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मुसलमान लोग थे, इन्होंने कहा है कि तेजस्वी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुसलमान लोग को नजरअंदाज किया है। बाकी आप क्या को सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।